एनजीटी की दाखिल की गई एक याचिका में इस्कॉन के नेतृत्व में मथुरा में बनने वाले चंद्रोदय मंदिर का निर्माण रोकने की मांग की गई है। इसके लिए धार्मिक सोसाइटी और केंद्रीय ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGBLUEC को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस्कॉन द्वारा बनाए जाने वाले वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के निर्माण से यमुना के आसपास का पर्यावरण प्रभावित होगा और क्षेत्र का भूजल स्तर पर भी असर पड़ेगा। एनजीटी के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कंसिसनेस इस्कॉन और CGBLUEC से 31 जुलाई से पहले जवाब मांगा है। पर्यावरण कार्यकर्ता मनिकेश चतुर्वेदी ने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर के निर्माण को रोकने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रस्तावित मंदिर की बाउंड्री के चारों ओर कृत्रिम तालाब होगा। इसके लिए जमीन से बड़े पैमाने का पानी का दोहन किया जाएगा। इससे यमुना नदी की अस्तित्व की सीमा तक पानी में कमी आ सकती है। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर चंद्रोदय मंदिर 200 मीटर से अधिक ऊंचा होगा। 5.5 एकड़ के इलाके में बनने वाले इस मंदिर में 70 मंजिलें होंगी। अभी दुनिया की सबसे ऊंची धार्मिक इमारत मिस्र के पिरामिड है, जो कि 128.8 मीटर ऊंचा है। वहीं वेटिकन का सेंट पीटर बेसिलिका 128.6 मीटर ऊंचा है। रॉकेट के आकार का चंद्रोदय मंदिर भूकंप प्रतिरोधी होगा। इसके निर्माण में 45 लाख घन फीट कंक्रीट और करीब 25,500 टन लोहे का इस्तेमाल होगा। सबसे बड़े मंदिर की क्या है खासियत? तारांकन मंदिर के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तारांकन इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा दुनिया के सबसे महंगे मंदिर का निर्माण मथुरा में किया जाएगा। तारांकन मंदिर की ऊंचाई 700 फीट होगी और इसका निर्माण 5,40,000 वर्ग फीट में किया जाएगा। तारांकन शानदार मंदिर के लिए सशक्त जंगल का पुनर्निर्माण किया जाएगा। तारांकन यह मंदिर 26 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। तारांकन इसमें ब्रज के 12 जंगलों का निर्माण होगा, जिसमें सुंदर वनस्पतियां, झीलें और झरने शामिल होंगे। तारांकन मंदिर का कुल क्षेत्रफल 62 एकड़ होगा, जिसमें 12 एकड़ पार्किंग और हेलीपैड के लिए होगा।